हेलो फ्रेंड्स, घर संसार वास्तु शास्त्र में आपका हार्दिक स्वागत है। दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, इसके साथ ही जाने अनजाने में किए गए पाप कर्मों के फल भी नष्ट हो जाते हैं। जरूरतमंदों को दान करने से व्यक्ति को जीवन की समस्याओं से छुटकारा मिलता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें दान नहीं करना चाहिए। इन चीजों को दान करने से सुख शांति नष्ट होती है और कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं वो कौन सी चीजें हैं जिसे दान नहीं करना चाहिए। इस जानकारी को बताने से पहले ये मैं आपको बता दूं, आपने हमारे YouTube चैनल घर संसार वास्तु शास्त्र को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम इसी चैनल के माध्यम से वास्तु शास्त्र से संबंधित वो सारी जानकारियां लेकर आएंगे जिसे आप अपनाकर अपने जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं। झाड़ू को कभी भी दान नहीं करना चाहिए। झाड़ू को लक्ष्मी का सूचक माना जाता है। झाड़ू को दान करने से घर में धन नहीं टिकता, ऐसा करने से लक्ष्मी जी रूठ जाती हैं। हालांकि झाड़ू को मंदिर में दान कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार स्टील से निर्मित वस्तुओं का भी दान नहीं करना चाहिए। स्टील की वस्तुएं दान करने से घर की सुख शांति नष्ट हो जाती है। शनिदेव को तेल अर्पित करना शुभ माना जाता है, लेकिन खराब और उपयोग किया गया तेल दान करने से अशुभ फल की प्राप्ति होती है। किसी भूखे को ताजा भोजन दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, वहीं बासी भोजन दान करना अशुभ होता है। ऐसा करने से विवाद और कोर्ट कचहरी में धन खर्च होता है। इसके अतिरिक्त धारदार या नुकीली चीजें दान नहीं करनी चाहिए। इन चीजों को दान करने से घर में दुर्भाग्य आता है और पारिवारिक सदस्यों के मध्य तनाव में वृद्धि होती है। तो ये थे फ्रेंड्स, भूलकर भी ना करें इन चीजों का दान, दुर्भाग्य और अशांति का होगा आगमन। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ताकि इसी तरह की जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। अपने घर और आसपास की सफाई रखें, सकारात्मक सोचें और खुश रहें। धन्यवाद।